Hello students, today in this video I am going to teach the students of class 5. In this video I will be teaching you from the book of English Reader, and in this book I will teach you the first lesson, which is a poem, and the name of the poem is George Mackenzie. Repeat it once again, George Mackenzie. Okay, and the poet of this poem is Richard Edwards. What is the name? Repeat once again, Richard Edwards. Okay, firstly, I will read the poem thoroughly and then I will tell you the meaning of this lines or these stanzas. So hear it carefully, be attentive. Old George Mackenzie used to dance with boxes on his feet. He danced outside the playground wall. He danced along the street. He danced for statues in the park, for girls beside the sea. He danced for scarecrows in the fields. At night he danced for me. I would lie awake until I heard him thumping through the town, his lullabying boxes calling, "Sleep now, settle down." Till one dark day a car found George and followed him about, and when he turned to dance for it, a grey-haired man got out. Complaints had been received, he said, a letter in his hand, and George could either stop by choice or have his dancing banned. George didn't speak when asked if he had anything to say, just kicked his boxes off and shuffled silently away. And now at night I lie awake and listen to the rain and cry for sleep and dreams and George who never danced again. So in this way you will read the poem. Now I am going to tell you the meaning of this poem. I will explain all the stanzas one by one, so it will be very easy to understand this poem. Firstly, I would like to tell you that इस poem के जो poet हैं, यानी कि Richard Edwards, वो इस poem को लिखते हैं अपनी बचपन की यादों को दोबारा याद करने के लिए, दोबारा उनको ज़िंदा करने के लिए. जैसा कि हम लोग सभी इंसान हैं जो अपनी लाइफ में अपने बचपन की यादें, जितने भी हम बड़े हो जाएं, हमारी बचपन की यादें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती हैं. कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे मन को इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है या फिर इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम उसे थ्रू आउट द लाइफ याद रखते हैं, right? बचपन में आइसक्रीम वाला, बचपन में आम के पेड़ पे चढ़कर आम की जो छोटी कैरियाँ होती हैं उसे चोरी कर कर खाना, अमरूद खाना, ठीक है, फूल तोड़ना, कहीं जाकर पहाड़ और जंगल वगैरह में घूम कर आ गए, ये सब चीज़ें हमारे बचपन की यादें होती हैं. कुछ ना कुछ ज़रूर स्पेशल सबको याद रहता है. तो इस पोएम में भी जो रिचर्ड एडवर्ड्स हैं उनको एक जॉर्ज मैकेंजी नाम का पर्सन याद है, जो बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान था, ठीक है. उसकी जो हरकतें थीं वो कैसे पसंद आती थी उसको और बाकी लोगों को बिल्कुल ही नापसंद थी, ठीक है. ही वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट टचिंग पर्सन इन हिज लाइफ. वो बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद करते थे. एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, क्या क्या होता है, इस पोएम के थ्रू हम लोग जानेंगे. कहते हैं पोएट,
ओल्ड जॉर्ज मैकेंजी यूज्ड टू डांस विद बॉक्सेस ऑन हिज फीट। ये जो जॉर्ज मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति है वो ओल्ड हैं, ज़्यादा बूढ़े नहीं हैं लेकिन ओल्ड हैं। वो डांस करते थे, कैसे डांस करते थे, अपने पैरों में बॉक्सेस बांधकर, ठीक है। वो सोचिए कैसा आवाज़ करेगा, वो कितना फ़नी लगेगा जब कोई अपने पैरों में बॉक्सेस लगाकर और उसके बाद वो डांस करे। बट ही यानी कि जॉर्ज मैकेंजी को ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता था, वो ऐसे ही डांस करता था। ही डांस्ड आउटसाइड द प्लेग्राउंड वॉल, ही डांस्ड अलोंग द स्ट्रीट। वो जो प्लेग्राउंड का दीवार है वहाँ पे जाकर डांस कर रहा है, वो गलियों में जाकर डांस करता था। ही डांस फॉर स्टैचूज इन द पार्क, वो जो पार्क यानी कि घूमने फिरने जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, उस पार्क में जो मूर्तियाँ बनी होती थी, प्रतिमाएँ बनी होती थी, उनके सामने उनके लिए वो डांस करता था। फॉर गर्ल्स बिसाइड द सी, और समुद्र में पाए जाने वाले जो पक्षी होते हैं वाइट कलर के होते हैं उन्हें हम गर्ल्स कहते हैं, ठीक है। तो उन पक्षियों के लिए भी वो डांस किया करता था जॉर्ज मैकेंजी। ही डांस फॉर स्केयर क्रॉस इन द फील्ड्स, और खेतों में जाकर स्केयर क्रॉस हम लोग किसे कहते हैं, ऐसा पुतला जो हम इंसानों की तरह बनाते हैं, ठीक है ना, उसका पुतला जो होता है इंसान का जैसा होता है, ये किस काम आता है, जो खेत में जो पक्षी आकर फसल को बर्बाद ना करे, उनको भगाने के लिए, उनको डराने के लिए हम लोग इस पुतले का प्रयोग करते हैं अभी भी, ठीक है। तो ये जो जॉर्ज मैकेंजी हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये स्केयर क्रॉस यानी कि खेतों में जाके इनके सामने डांस करता था। एट नाइट ही डांस फॉर मी, और रात में ये मेरे लिए डांस करता था। यहाँ पे मी कौन है, पोएट रिचर्ड एडवर्ड्स। आई वुड लाई अवेक अंटिल आई हर्ड हिम थम्पिंग थ्रू द टाउन, और पोएट कहते हैं क्या, मैं तब तक जगा रहता था जब तक कि मैं जॉर्ज मैकेंजी के थम्पिंग साउंड को सुन ना लूँ। थम्पिंग यानी कि बहुत बड़ा या विशाल, जैसे रात के अंधेरे में सन्नाटे में कुछ भी चीज़ अगर चलती है या फिर कुछ भी आवाज़ होती है तो वो हमें बहुत ही क्लियरली सुनाई दे देती है, है ना। तो ये जॉर्ज मैकेंजी भी क्या करता था, रात में जब तक इसकी आवाज़ चलने की आवाज़ वो सुनता नहीं था तब तक उसे नींद नहीं आती थी पोइट को। हिज लल बाइंग बॉक्सेस कॉलिंग स्लीप नाउ सेटल डाउन, और इसकी जो साउंड बॉक्सेस की होती थी, जॉर्ज मैकेंजी के चलने की आवाज़ जो होती थी, जिस बॉक्सेस से आवाज़ आती थी, उससे पोइट को ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो उसके लिए लोरी है, जिसको सुनकर उसे बहुत ही सुकून मिलता था, अच्छा मिलता था पोइट को, और ये उनके लिए लोरी के समान हो जाती थी। लोरी यानी कि सोने से पहले जो हम लोग लोरी सुनते हैं, वहाँ लोग अक्सर सुनाती हैं, और उस लोरी के द्वारा वो क्या कहता था, अब सो जाओ और निश्चिंत हो जाओ, ठीक। टिल वन डार्क डे अ कार फाउंड जॉर्ज एंड फॉलोड हिम अबाउट, और ऐसा तब तक होता रहा, ये डांसिंग वगैरह जितना भी चीज़ है ये तब तक होता रहा जब तक कि एक कार एक दिन, क्या होती है, एक डार्क डे मतलब एक ऐसा भी दिन, बुरा दिन आया जब एक कार जॉर्ज का पीछा करते हुए और उसके पास जाती है, और एंड व्हेन ही टर्न टू डांस फॉर इट, और जैसे ही ये जॉर्ज मैकेंजी घूमता है उस कार के लिए डांस करने के लिए, तभी क्या होता है, उस कार में से अ ग्रे हेयर्ड मैन गॉट आउट, एक ऐसा व्यक्ति निकलता है जिसके बाल कैसे हैं, ग्रे कलर के, यानी कि वो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं। वो बाहर आते हैं कार से और मैकेंजी से कहते हैं क्या, कंप्लेंट्स हैड बिन रिसीव्ड ही सेड अ लेटर इन हिज हेड, और वो क्या कहते हैं कि बहुत सारी कंप्लेंट्स, बहुत सारी शिकायतें इसके अगेंस्ट आई हैं, किसके अगेंस्ट, जॉर्ज मैकेंजी के अगेंस्ट, और वो सारी कंप्लेंट्स एक लेटर में जो कि इस ग्रे हेयर्ड मैन के हाथों में है, उसमें कंप्लेंट्स बहुत सारे लोगों के द्वारा आई हुई हैं। एंड जॉर्ज कुड ईदर स्टॉप बाय चॉइस और हैव हिज डांसिंग बैंड, और ये ग्रे हेयर जो व्यक्ति हैं वो बोलते हैं मैकेंजी से कि आप या तो अपनी मर्जी से डांस करना बंद कर दीजिए या फिर आपका जो ये डांस है हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, बैन यानी कि प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि आपको आप कहीं भी डांस नहीं कर सकते।
या तो आप अपनी मर्ज़ी से बंद कर दीजिए या तो हम लोग आप पे बैन लगा देंगे। इसके बाद क्या होता है, जॉर्ज डिडंट स्पीक व्हेन आस्क्ड इफ़ ही हैड एनीथिंग टू से। और जब उसे कहा जाता है कि आपको कुछ इस बारे में, इस संदर्भ में कहना है, तो जॉर्ज कुछ नहीं बोलता है और जस्ट किक्ड हिज बॉक्सेस ऑफ एंड शफल साइलेंटली अवे। बस अपने पैरों में जो बॉक्सेस बंधे थे उनको एकदम किक करता है, मतलब ठोकर मारकर फेंक देता है और पैरों को घसीटते हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास होकर वो चला जाता है वहाँ से। एंड नाउ एट नाइट आई लाई अवेक एंड लिसन टू द रेन। और अब क्या होता है, अब पोएट इस लास्ट लाइन में कहते हैं क्या कि अब मैं पूरी रात भर जगा रहता हूँ लेट कर और बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ। एंड क्राई फॉर स्लीप एंड ड्रीम्स एंड जॉर्ज हु नेवर डांस अगेन। और मुझे नींद नहीं आती है, मैं सोने के लिए परेशान होता हूँ, मैं जॉर्ज के सपने देखता हूँ, लेकिन क्या होता है, वो अब दोबारा कभी भी डांस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब थोड़े से छोटे वर्ड्स में बता देते हैं कि इस पोएम को लिखने का मेन उद्देश्य क्या था। जॉर्ज मैकेंजी जो पोएम है रिचर्ड एडवर्ड के द्वारा जो लिखा गया है, इसकी क्या थीम थे। सो दिस पोएम इज़ अबाउट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये जो पोएम है ये इस बारे में है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बाकी दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग है, जो एल्डर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही वेल मैनर्ड है। लेकिन ये है मैकेंजी एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा है, एज में बड़ा है, लेकिन हरकतें सारी बच्चों वाली हैं, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है एक्सेप्ट द पोइट बिकॉज दे आर डिफरेंट। मैनी थिंग्स दे डू सीम स्ट्रेंज एंड आर नॉट लाइक्ड। बहुत सारी चीज़ें ये जो मैकेंजी करते हैं वो बहुत सारे जो शहर के लोग थे उनके द्वारा पसंद नहीं की जाती थी। जॉर्ज मैकेंजी इन इज वन सच पर्सन, ही वॉज होमलेस एंड प्रोबेबली डिड नॉट हैव एनी वर्क। और ये जो जॉर्ज मैकेंजी हैं वो होमलेस थे, अकेले रहते थे, उनका घर नहीं था, उन्हें कोई काम नहीं देता था, लेकिन फिर भी देखिए वो सबके लिए डांस करता था, हर वक्त वो खुश रहा करता था। द स्पीकर इन द पोएम हैज़ चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ जॉर्ज। अब ये स्पीकर कौन है इस पोएम के, खुद रिचर्ड एडवर्ड्स। ठीक है, वो बताते हैं कि ये जो जॉर्ज मैकेंजी नाम का पोएम है या फिर इस बारे में जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है वो उनकी बचपन की यादें हैं। जॉर्ज डिड एंड लव द वे इन विच ही वॉज डिफरेंट। और ये जो रिचर्डसन है एक अकेला ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको जॉर्ज मैकेंजी की सारी हरकतें, जो उठ पटांग वो हरकतें, कहीं भी जाकर डांस करना, कुछ भी स्टैचूज के सामने, पार्क में, कहीं भी वो जाके जो डांस करते थे, वो सारी हरकतें रिचर्ड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। सो दिस इज़ द पोएम विच मीन्स जॉर्ज मैकेंजी एंड वी हैव फिनिश्ड दिस पोएम। इट इज़ क्वाइट लॉन्ग बट यस वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। So this is it for today. Thank you all.